जनादेश की सुरक्षा करते थम गई धड़कने। सतना के स्ट्रांग रूम की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को हुई खून की उल्टी, मौके पर हुई मौत। सतना में नगरीय निकाय चुनाव में आए जनादेश की निगरानी करते हुए एक पुलिस आरक्षक की धड़कने थम गई। स्ट्रांग रूम की निगरानी में तैनात आरक्षक को खून की उल्टी हुई और कुछ ही देर में दिल ने धड़कना बंद कर दिया, वहीं उनकी सांसें साथ छोड़ गयी। हासिल जानकारी के मुताबिक सतना शहर के व्यंकट क्रमांक के एक स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात पुलिस आरक्षक सूर्य नारायण सिंह तोमर, पिता मेवाराम तोमर 47 वर्ष की मौत हो गई। सूर्य नारायण मुरैना जिले के पोषा थाना क्षेत्र के कोथर कला का रहने वाला था। वह पुलिस लाइन सतना में पदस्थ थे, जहां से उनकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगाई गई थी। गुरुवार की सुबह उन्हें वहीं खून की उल्टियां आना शुरू हुई, जिसके बाद उन्हें कमांडर नरेंद्र पाल सिंह और स्टाफ अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही एसपी आशुतोष गुप्ता और रक्षित निरीक्षक सत्य प्रकाश मिश्रा अस्पताल पहुंचे। आरआई श्री मिश्रा ने बताया कि आरक्षक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, वे मुरैना से सतना पहुंच रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को शव मुरैना भेज दिया जाएगा। परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। शेष सुविधाएं भी शीघ्र ही मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं तत्काल संदेश। नई खबर पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।